भिवाड़ी अभिभाषक संघ ने वकीलों पर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में फूंका विधायक संदीप यादव का पुतला। तीजा, विधायक संदीप यादव के वकीलों पर अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में भिवाड़ी अभिभाषक संघ ने पुतला जलाकर आक्रोश जताया है। भिवाड़ी कोर्ट के बाहर वकीलों ने तीजा विधायक संदीप यादव के मुर्दाबाद के नारे लगाए तथा पुतला जलाकर विरोध जताया। वकीलों ने विधायक के माफी नहीं मांगने पर आंदोलन करने की चेतावनी दी है। पुतला दहन के दौरान भिवाड़ी अभिभाषक संघ के अध्यक्ष पूरण सिंह यादव, पूर्व अध्यक्ष नीरज तंवर, दिनेश तंवर, मुकेश भिदोड़ी, विशंबर दायमा के अलावा विजेंद्र तंवर, वीरेंद्र पांचाल, सूबे सिंह, मुनफेद खान, सुनील यादव, संदीप चौहान सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित थे। आज ये पुतला दहन का प्रोग्राम हुआ। तिजारा विधायक द्वारा 15/9/2022 को प्रेस वार्ता में वकीलों के खिलाफ अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया, उससे वकील समाज पूरा आहित है और उसके आक्रोश में हम उसका पुतला दहन कर रहे हैं और उसके खिलाफ हमने निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है जिसको सर्वसम्मति पारित किया गया। निंदा प्रस्ताव में भिवाड़ी अभिभाषक संघ के सभी अधिवक्ता मौजूद थे, जिसमें नीरज जी, विशंबर जी, मुकेश भिदोड़ी जी, वीरेंद्र जी, मुनफीद खान और सारे अधिवक्ता उसमें उपस्थित रहे। आप लोगों की क्या मांग है अब? हमारी मांग है कि उसके जो वकीलों के खिलाफ अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया उसके लिए वो क्षमा याचना करें और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे और भविष्य में इस तरह की भाषा का कभी प्रयोग ना करें, उसका आश्वासन दे जब तक हमारा आंदोलन चालू रहेगा। और ये आज भिवाड़ी तिजारा तक है, कल ये अलवर लेवल पर, जिला लेवल पे और राज्य लेवल तक भी आंदोलन चलाया जाएगा। तो आप लोग कितने दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं विधायक को कि माफ़ी मांगे आपसे? हम उसको मंगलवार तक अल्टीमेटम दे रहे हैं। उसके बाद क्या कदम होगा आपका? वो फिर मीटिंग में निर्णय लिया जाएगा कि उसके खिलाफ अगला कदम क्या होगा। आज के धरने के बारे में क्या कहेंगे जो आपका पुतला दहन हुआ है? देखो, ये हमारे तिजारा में राजस्व अदालतों में कई दिन से एक आंदोलन चल रहा था तिजारा बार का कि वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, निष्पक्ष फैसले नहीं हो रहे हैं, उसके खिलाफ उसको सपोर्ट करने के लिए, मतलब उनके वकीलों के धरने को असफल करने और जो वहाँ गलत काम हो रहे थे उनको सपोर्ट में एमएलए ने हमारे खिलाफ़ एक गलत टिप्पणी की है, जबकि उनको एक यहाँ के विधायक होने के नाते ये कहना चाहिए था कि भाई यहाँ अदालतों में मैं देखूँगा अगर कोई ऐसा कुछ हो रहा है तो उनकी जिम्मेदारी है, ये विधायक की ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि अगर कोई कैसा भी आरोप है, चाहे कैसा भी है आरोप है ना, तो उसको ये कहना था कि भाई मैं न्याय निष्पक्ष से वो देखूँगा, तरीके से देखूँगा, ऐसा नहीं होएगा। उन्होंने तो जो आदमी इसको विरोध कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे कि भाई यहाँ गलत काम हो रहे हैं, निष्पक्ष फैसले नहीं हो रहे हैं, उसको और सपोर्ट कर दिया और जो विरोध की आवाज़ को दबाने के लिए उनको कहा, इसका मतलब कि वो खुद उनकी जो विश्वसनीयता है वो गलत है, वो खुद उनमें मिले हुए हैं और हम ये खाली जो उन्होंने ये भाषा इस्तेमाल की इसी तक नहीं रुकेंगे, अब हम अपने सब लोग अपना सलाह मशवरा करके और जो ये जनता बता रही है, अब जो वहाँ धरने हुए हैं उसमें लोगों ने बताया है कि ये सबके पीछे कौन है, कौन अधिकारियों के ऊपर दबाव दे के उनका अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का दबाव दे के गलत काम करा रहा है, तो इन सब की जांच के लिए हम सरकार से निवेदन करेंगे और सरकार नहीं करेगी तो कोर्टों में करेंगे, लेकिन हम भी अब उसकी पोल खुलवाएंगे। अब ये कौन कर रहा है, ये कौन, मतलब ये दलाली कौन कर रहा है यहाँ, तो ये सारी चीज़ों पर कानूनी कार्रवाई बार करेगी, हम अपनी सहमति बनाएंगे और जो कानूनी बिंदु है उन पर विचार करके आगे कार्रवाई करेंगे।